ठीक है, हमने लास्ट टाइम जो है वो इन्फॉर्म सर्च देखा था, और उसमें फिर ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च देखा था, और फिर देन जो है वो हमने स्टार सर्च देखा था कि जो है हमारे पास किस तरह आपके पास वैल्यूज जो है एस्टिमेशंस जो है वो गिवन थी, और उनकी बेसिस पे आप डिसाइड करते थे। ठीक है, आज भी हमारा जो बेटा टॉपिक है वो इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम। ओके बिल्कुल, जिस तरह आपकी रियल लाइफ एग्जांपल में होता क्या है कि यू आर गोइंग टू सर्च द बेस्ट, इसी तरह बेटा जो हिल क्लाइंबिंग का एल्गोरिथम है वो भी इसी से इंस्पायर्ड है कि आप किस तरह जो है बेटा सर्च करते हो बाय यूजिंग हिल क्लाइंबिंग सर्च। ठीक है, तो होता है क्या बेटा, हिल क्लाइंबिंग सर्च इज अ लोकल सर्च प्रॉब्लम कि हम जो है बेटा किस तरह की प्रॉब्लम्स पे इम्प्लीमेंट करते हैं। वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इन अ लोकल सर्च प्रॉब्लम। बेसिकली द पर्पस ऑफ हिल क्लाइंबिंग सर्च इज टू क्लाइंब अ हिल एंड रीच द टॉप मोस्ट पीक पॉइंट ऑफ दैट हिल। तो आपको प्रॉब्लम यहाँ समझ में आ गई होगी कि यू आर गोइंग टू सर्च अ मैक्स वैल्यू। ठीक है, कि आपने जो है वो लोकल मतलब सर्च स्पेस के अंदर यू हैव टू फाइंड द बेस्ट वन। ठीक है, अच्छा अब देखें, इन रियल लाइफ अगर हम एक्सपीरियंस करें तो आप जब माउंटेन जो है वो क्लाइंब करते हो, ठीक है, तो होता है क्या है बेटा कि आपके पास जो माउंटेन है वो कुछ इस तरह जो है वो दिखता है। ठीक है, अगर आपकी करंट स्टेट ये है जहां इस वक्त मेरा कर्सर है बेटा, तो आपके लिए मैक्सिमम पॉइंट कौन सा होगा? आपको तो ये पॉइंट मैक्सिमम लगेगा बिकॉज यू आर एट द हाईएस्ट प्लेस। ठीक है, तो लेकिन इन रियल क्या होगा? इन रियल ये हो सकता है कि मे बी देयर मे बी अ मैक्सिमम पॉइंट बिहाइंड दैट करंट स्टेट, और मे बी द लोकल मैक्सिमम पॉइंट विल कम आफ्टर दैट पॉइंट। तो उन सिनेरियोस के अंदर हम कर क्या रहे होते हैं वो आज हमने देखना। ठीक है, तो बेसिकली आपको पर्पस समझ में आ गया है कि हम जो हिल क्लाइंबिंग सर्च है वो क्यों अप्लाई करते हैं बेटा, टू फाइंड द टॉप मोस्ट पीक और टू फाइंड द बेस्ट वैल्यू। ठीक है, इन ऑन दैट सर्च स्पेस। अच्छा, बेसिकली जो हिल क्लाइंबिंग सर्च है इट इज बेस्ड ऑन द ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक वेयर द पर्सन गो हु इज क्लाइंबिंग अप द हिल एस्टिमेट्स द डायरेक्शन विच विल लीड हिम टू द हाईएस्ट पीक। तो ऑब्वियस है बेटा कि इसमें भी एस्टिमेशन जो है या ह्यूरिस्टिक सर्च जो है वो आपके पास इन्वॉल्व होती है। इन व्हाट सेंस? इन दैट सेंस बेटा कि आप जब माउंटेन को या हिल को क्लाइंब कर रहे होते हो तो यू हैव टू फॉलो द डायरेक्शन, और डायरेक्शन विल इंडिकेट यू वेदर यू आर गोइंग टूवर्ड्स अ हाईएस्ट पीक और नॉट। ठीक है, तो इन दैट टर्म यू विल यूज अ ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक इन हिल क्लाइंबिंग। अच्छा, अब कुछ चीजें हैं उनको जो समझना बहुत जरूरी है, वो क्या है? स्टेट स्पेस लैंडस्केप ऑफ हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम क्या है? स्टेट स्पेस क्या होगी इसमें? देखें, स्टेट स्पेस इसमें बेटा वो जो आपका ट्रॉपिकल रीजन है ना बेटा, वो सारा का सारा आपका स्टेट स्पेस होगी। मींस कि आपकी जो आपके माउंटेन्स हैं व्हेन यू आर गोइंग टू क्लाइंब अ हिल, तो जब आप मूव करते रहेंगे तो वो सारी की सारी जो है बेटा वो आपकी क्या होगी? सर्च स्पेस होगी। टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम कंसीडर द ब्लू लैंडस्केप रिप्रेजेंटिंग द गोल और पीक एट दैट करंट स्टेट ऑफ द क्लाइंबर द टॉपोग्राफिकल रीजन शोड इन द फिगर। तो बेसिकली वो यही बता रहे हैं, नीचे जो अभी मैं फिगर दिखा रहा था उसकी तरफ जाते हैं, ये इस फिगर को वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं दैट द पर्सन विल ट्राई टू फाइंड आउट अ मैक्सिमम और अ पीक ऑफ दैट हिल। तो क्या होगा बेटा उसमें? यही होगा कि दे विल ट्राई टू फाइंड अ मैक्सिमम ऑफ इन दैट सर्च स्पेस। तो ये पूरी की पूरी आपकी एक्स एक्सेस पे स्टेट स्पेस है और आपकी वाई एक्सेस पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्यों कह रहे हैं? बिकॉज यू हैव टू अचीव दैट फंक्शन। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है आपका बेटा? यू हैव टू फाइंड आउट अ मैक्सिमम और अ हाईएस्ट पीक इन द हिल। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट के द बेसिक एस्पेक्ट ऑफ दैट एल्गोरिथम इज टू फाइंड आउट अ पीक वैल्यू। ठीक है, अब होगा क्या इसमें? यहाँ कुछ आपको चीजें बताएंगे कि देयर मे बी अ ग्लोबल मैक्सिमम, देयर मे बी अ लोकल मैक्सिमम, देयर मे बी अ फ्लैट लोकल मैक्सिमम, और देयर बी अ शोल्डर। ठीक है, तो और देयर इज अ करेंट स्टेट। यू ऑल नो अबाउट द करेंट स्टेट, बट कुछ जो यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज है उनको हमने देखना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ग्लोबल मैक्सिमम क्या होगा। तो द वर्ड रिप्रेजेंट ग्लोबल मैक्सिमम मीन्स कि द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द हिल, के जो हाईएस्ट पॉइंट होगा, सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा जो हिल का, वो आपका ग्लोबल मैक्सिमम कहलाता है। बेसिकली विच इज द गोल स्टेट। ठीक है, तो जो आपकी क्या होगी? गोल स्टेट होगी। लोकल मैक्सिमम क्या होगा बेटा? लोकल मैक्सिमम वो पीक हायर देन द ऑल अदर पीक बट द लोअर देन द ग्लोबल मैक्सिमम,
तो लोकल मैक्सिमम वो हाई पीक होगी जो बेटा ग्लोबल मैक्सिमम से कम होगी, बट इट विल हायर और एट अ हायर लेवल अदर देन ऑल द पीक्स, ठीक है। और फ्लैट लोकल मैक्सिमम सरफेस क्या होगी बेटा, इट इज अ फ्लैट एरिया ओवर द हिल वेयर इट हैज नो अपहिल और डाउन हिल, मीन्स के देयर मे बी अ सैचुरेटेड लाइन, मीन्स के आप जो है वो आपकी कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रही होगी, आप मीन्स यू आर मूविंग ऑन अ फ्लैट सर्फेस, ठीक है। शोल्डर क्या होता है बेटा, इट इज ऑल्सो फ्लैट सर्फेस वेयर दिस समिट इज पॉसिबल, मीन्स के यू हैव टू स्टे फॉर अ टाइम। करंट स्टेट क्या होगी बेटा, इट इज द करंट पोजिशन ऑफ द पर्सन, ठीक है। अब हम देखते हैं बेटा इस डायग्राम को समझने की, एल्गोरिथम को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों से व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोग मुझे बताइएगा कि व्हाइट बोर्ड आपको नजर आ, व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है बेटा? यस सर, आ रहे हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए बेटा एक सर्च प्रॉब्लम है गिवन आपको, ठीक है। ये एक माउंटेन है, मींस दैट्स योर स्टेट स्पेस, ठीक है बेटा। इसे मैं एसपी लिख देता हूँ, दैट्स योर स्टेट स्पेस, स्टेट स्पेस, ठीक है। तो और आपकी करंट पोजीशन ये है, ठीक है, यू आर एट दैट पोजीशन, ठीक है। अब होगा क्या, अब होगा ये बेटा कि व्हेन यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर दैट पॉइंट, तो आपका जो फंक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो आपका गिवन है, ठीक है बेटा। तो वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन विल इंडिकेट कि पीक की हाइट क्या है, इसको मैं लिख देता हूँ ओ एफ, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो ओ एफ विल इंडिकेट यू कि आपके पास जो है वो हायर वैल्यू कौन सी है, मीन्स कि अगर आप यहाँ पे हैं तो यू विल चेक देयर मे बी आर सम हाइट, व्हेन यू आर एट दैट पॉइंट देयर मे बी आर सम हाइट, व्हेन यू आर एट दैट पॉइंट देयर मे बी सम हाइट, एंड एट दैट पॉइंट देयर इज ऑल्सो सम हाइट, ठीक है। अब होता क्या है बेटा कि जब आप सर्च स्पेस में निकलते हो ना, तो प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है, मैं इस वाले पोजीशन को इंडिकेट कर रहा हूँ जो यहाँ इस वक्त रेड से मैं मार्क कर रहा हूँ ना बेटा, यू हैव टू ट्राई टू एक्सप्लोर दैट पॉइंट। अगर मैं इसको अलग करके बना दूं तो ये कुछ है, इस पीक की बात करें तो होता क्या है बेटा कि जब आप इस करंट स्टेट पे होते हो ना, ये मूव कैसे करता है, ये एल्गोरिथम वर्क कैसे करता है बेटा, वो ये देखता है कि आपकी करंट पोजीशन ये है, तो इसको आपने लिख दिया सीपी। अब आप अगर आगे जाते हैं, यू विल मूव फॉरवर्ड, तो क्या हो, वो ये चेक करता है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी हुई है या नहीं हुई, मीन्स के सीपी टू करंट पोजिशन इज ग्रेटर देन सीपी वन और नॉट। अगर वो कहता है कि हाँ बड़ी है, तो ये करंट स्टेट से क्या करता है बेटा, ये मूव करके ऊपर चला जाता है, ठीक है। ये सीपी वन था, ये सीपी टू है, इसी तरह वो नेक्स्ट स्टेप लेगा तब जब वैल्यू बढ़ रही होगी। जैसे ही बेटा वैल्यू बढ़ेगी तो ये फिर चेक करेगा कि वेदर द सीपी थ्री इज ग्रेटर देन सीपी टू करंट पोजीशन टू और नॉट। अगर होगा तो ये आगे मूव कर जाएगा, फिर ये आगे जाके चेक करेगा यहाँ। अब जब बेटा ये यहाँ चेक करेगा ना, तो ये देखेगा कि भाई सीपी फोर की वैल्यू ग्रेटर देन है सीपी थ्री या नहीं। तो ये जैसे ही इसको चेक करेगा तो ये कहेगा कि ठीक है मैं देख लेता हूँ। जब वो इसे चेक कर रहा है तो हाँ भाई है, तो ये यहाँ पे आ गया, इस पोजीशन पे आ गया, मीन्स के इस पीक का ये जो स्पाइक है आपकी, मीन्स के द डेड पोर्शन ऑफ द वेव व्हेन यू आर एट अ हाईएस्ट लेवल। अब उसने आगे मूव करना है, अब जब वो आगे मूव करके देखता है एक बार कि भाई ये वाली वैल्यू इस हाइट से ज्यादा है या कम है, मीन्स के CP5 इज ग्रेटर देन CP4 और नॉट, ठीक है। अब वो जैसे ही ये देखता है एक स्टेप चेक करके, तो वो कहता है कि अच्छा चलो एक मूव देखते हैं। वो जैसे ही यहाँ आता है ना, वो देखता है कि नहीं यार ये तो गलत है, यहाँ पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है, और मैंने आगे मूव कर लिया है, अब वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो रही है, फिर वो नेक्स्ट मूव लेके देखता है, तो फिर स्टॉप कर जाता है। और वो क्या करता है, वो ये समझता है या आप ये समझते हैं ड्यूरिंग सर्च कि यू विल अचीव अ पीक वैल्यू, ठीक है, बट इन रियल केस क्या हुआ है, कौन बताएगा ये बात भाई? आपका एल्गोरिथम कहता है कि मैंने यहाँ पे ना मैक्सिमम पॉइंट फाइंड आउट कर लिया है या मैक्सिमम पीक ले लिया है,
और वो सर्च को स्टॉप कर देता है। ये हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम का काम है। लेकिन इसने एक प्रॉब्लम क्रिएट की है, वो प्रॉब्लम क्या है बेटा? नहीं हसन बेटा, इस पूरी डायग्राम को देखो, इस पूरे सिनेरियो को देखो, आप यहाँ पे पहुंचे सर। ये सिर्फ पहली सर सिर्फ पहली पीक पे रुक गया, आगे और भी पीक्स हैं। बिल्कुल, द एल्गोरिथम गेट कंफ्यूज्ड कि वो इस लोकल मैक्सिमम में ही फंस के रह गया। उसने जैसे ही ये चेक किया कि व्हेन, देखो ना बेटा, अपवर्ड जा रहा था तो ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही डाउनवर्ड क्राइटेरिया आया तो इट फील्स कि भाई अब मेरी वैल्यूज जो है ना वो डिक्रीज हो रही है। तो इट मींस कि द पोजीशन व्हिच इज बिहाइंड दैट पोजीशन इज बेस्ट। तो वो क्या करता है बेटा, इट विल स्टक इन अ लोकल मैक्सिमा। ये इस एल्गोरिथम का ड्रॉबैक है। अब समझ में आया कि हिल क्लाइंबिंग कैसे काम करता है? जी बच्चों, ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको या नहीं? ठीक है, यस सर, क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसी तरह इस एल्गोरिथम की एक चीज तो बहुत अच्छी, इट विल ऑलवेज मूव टुवर्ड्स हाईएस्ट पीक, बट जो लिमिटेशन है वो क्या है बेटा कि इट विल स्टक इन अ लोकल मैक्सिमा। हाँ, अगर आपने यहां से सर्च स्टार्ट लिया होता, बेसिकली वी आर गोइंग टू अप्लाई अ हिट एंड ट्रायल मेथड, तो आप ये भी कर सकते हो बेटा कि आपने स्टार्टिंग पॉइंट ये लिया था ना, नेक्स्ट आइट्रेशन में आप स्टार्टिंग पॉइंट ये ले लेते हो, फिर ये ले लेते हो और फिर ये ले लेते हो। तो अगर आप इस तरह करते हैं तो यू विल रिजॉल्व दैट इशू, अदरवाइज क्या है बेटा कि इट विल स्टक इनटू अ लोकल मैक्सिमा प्रॉब्लम। ठीक है, तो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ दैट एल्गोरिथम। समझ में आई बात बेटा कि क्या ड्रॉबैक है इसका? ठीक है, तो ये इसका ड्रॉबैक था। अब लिमिटेशंस क्या है बेटा? लिमिटेशन वही है बेटा कि सबसे पहली लिमिटेशन तो आपको समझ में आ गई कि ये फास्ट है, फ्यूरियस है, बट बेसिकली द प्रॉब्लम इज दैट कि इट विल स्टक इनटू द लोकल मैक्सिमा। अब लोकल मैक्सिमा क्या है बेटा? इट इज द पीक ऑफ द माउंटेन व्हिच इज द हाईएस्ट देन ऑल अदर नेबरिंग स्टेट बट लोअर देन द ग्लोबल मैक्सिमा। तो अभी जो मैंने बेटा जो डायग्राम बनाई थी, तो जिस पीक को हम देख रहे थे वो क्या था कि इट विल higher than the other peak but it is lowest than the lower than the global maximum point, so it is not the goal peak because there is another peak higher than it। to wo kya karta hai beta, sirf apne neighboring check karta hai। theek hai, jo hasan aap jo keh rahe sir aapne do step zyada, theek hai, wo jo do step zyada the wo sirf ye check karne ke liye hote hain beta ki it will check its neighbor, ki iske neighbors jo hain wo uske usse highest hai ya lowest hai, तो वो चेक करना जरूरी होता है बेटा। ठीक है, वो ड्रॉबैक नहीं था, वो ही था कि उसने अपनी नेक्स्ट स्टेट को जरूर चेक करना है। अगर उसकी नेक्स्ट स्टेट विल लीड टू हायर ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो वो बेटा मूव कर जाएगा, वरना वो जो है बेटा वहीं रुक जाएगा। एक तो ये एक प्रॉब्लम है हिल क्लाइंबिंग का। दूसरी लिमिटेशन क्या है बेटा? प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या है बेटा? इट्स अ फ्लैट सर्फेस एरिया वेयर नो अपहिल एग्जिस्ट। It becomes difficult for the climber to decide that is which direction he should move to reach the goal point. Sometime the person gets lost in the flat area. Normally क्या होता है बेटा कि if there may be ये जो आप देख रहे हो ना diagram, यहाँ पे आपको plateau या flat area दिख रहा है, तो देखे ना बेटा आप search space के अंदर अगर यहाँ पे हैं जहाँ पे इस वक्त cursor है, और आपने next neighboring check किया वो भी वही है, उससे next check किया वो भी वही है, उससे next check किया वो भी वही है, तो you will find out that कि यहाँ जो है ना एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे सारी वैल्यूज एक ही जैसी आ रही है, तो दैट्स हाउ यू विल स्टक इनटू द प्लेट्यू सरफेसेस। ठीक है, तो ये एक लिमिटेशन है इसकी कि आप जो है बेटा लॉस्ट हो जाते हो इन फ्लैट एरिया, कि आप समझना शुरू कर देते हो कि अब जो है ना आगे कोई पीक है ही नहीं। तो दैट इज द सेकंड लिमिटेशन ऑफ हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम। ठीक है, अब जो फोर्थ है, थर्ड है बेटा, वो क्या है? रिजेस। रिजेस क्या होते हैं बेटा? इस तरह की पीक्स जो आपको यहाँ नजर आ रही है ना बेटा, कि सारी की सारी पीक्स बराबर हैं। अब होता है क्या है बेटा, इट इज अ चैलेंजिंग प्रॉब्लम वेयर द पर्सन फाइंड टू और मोर लोकल मैक्सिमम ऑफ द सेम हाइट कॉमनली। इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द पर्सन टू नेविगेट द राइट पॉइंट एंड स्टक टू दैट पॉइंट इटसेल्फ। तो अब बेटा क्या होता है
कि आपके पास जब ब्रिजेस का फिनोमेना आकर होता है तो उसमें जो है वो आपका जो पर्सन है और जो आपके एल्गोरिथम है, इट विल स्टक कि उसे किस तरफ नेविगेट करना चाहिए या यहीं पे रुक जाना चाहिए, बिकॉज इट विल फाइंड आउट दैट देयर मे बी मोर देन वन लोकल मैक्सिमा विच हैविंग सेम हाइट. तो वो इस पे क्या करता है बेटा, इस पे थोड़ा कंफ्यूज होता है और दे विल स्टक टू दैट पॉइंट इटसेल्फ. तो वो फिर क्या करता है बेटा, वो इसी में ही कंफ्यूज रहता है और स्टक हो जाता है कि भाई मैंने जो है ना वो हाईएस्ट पॉइंट अचीव कर लिया है तो आई विल स्टे एट दैट पोजिशन. जबकि मे बी हो सकता है कि दो की हाइट बराबर हो और तीसरा पीक जो है वो बड़ा हो. ठीक है, तो दैट्स द बेसिक प्रॉब्लम्स वी फाइंड आउट इन हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम. बेटा इस टॉपिक के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, कोई चीज ऐसी जो नहीं समझ में आई. क्लियर है सर. शोल्डर और फ्लैट लोकल मैक्सिमम में मतलब मेजर डिफरेंस क्या है दोनों में ही फ्लैट एरिया कहावा. देखो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है. वो क्या है देखो, इट इज द फ्लैट एरिया ओवर द हिल वेयर इट हैज नो अपहिल और डाउनहिल. मीन्स के ये फ्लैट एरिया होता है ओवर द हिल. जब आप टॉप पे जाते हो ना, जैसे यहाँ आप टॉप पे आ गए, ये फ्लैट सरफेस पे एरिया है. जबकि यहाँ क्या है बेटा, ये लीनियर है. तो यू आर नॉट एट द टॉप ऑफ द हिल, ठीक है, यू आर ऑन अ फ्लैट सरफेस. तो ये शोल्डर को इस तरह वो डिस्क्राइब कर रहे हैं इसे. तो इट इज अ फ्लैट एरिया वेयर द समिट इज पॉसिबल. मीन्स के यू विल स्टक इन टू दैट सरफेस इफ यू मूव टू और थ्री पॉइंट्स मोर देन दैट. जबकि यहाँ क्या है बेटा, फ्लैट लोकल मैक्सिमम है कि आप मैक्सिमा तो अचीव करते हो, ठीक है, बट यू विल चेक द नेक्स्ट नेबरिंग. और जैसे ही आप नेक्स्ट नेबरिंग चेक करते हो तो यू विल डिसाइड कि भाई अब जो है ना ये लोकल मैक्सिमम मुझे अचीव हो गया. और हालांकि यहाँ से जब वो डाउनवर्ड जाएगा, यहाँ आप देखो ना बेटा, तो यहाँ डाउनवर्ड जा रहे हैं, यहाँ आप देखें तो अपवर्ड जा रहे हैं. दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू. ठीक है नेहा जी? सर ठीक है, समझ आ गया. और किसी का कोई सवाल? ठीक है, नेक्स्ट हम अपना जो दूसरा हमारा एल्गोरिथम है वो है बेटा मिन मैक्स अप्रोच. ठीक है, अब ये जो मिन मैक्स अप्रोच है एल्गोरिथम, इसका जो दूसरा नाम है वो आपके पास होता है बेटा, बेसिकली जो आपके पास लाई करती है ये कैटेगरी, इट विल लाई इन टू द कैटेगरी ऑफ एडवर्सेरियल सर्च. एडवर्सेरियल सर्च का मतलब क्या होता है बेटा, कि आप अगर इसको यूं समझें कि यू आर प्लेइंग नॉर्मली, ये जो एडवर्सेरियल सर्च है ना, ये बेटा गेम्स वगैरह में यूज होती है. कि आप जब गेम प्ले करते हो तो देयर आर टू पार्टिसिपेंट्स, और बेसिक गोल क्या होता है बेटा कि द वन विल विन एंड द अदर विल लॉस, ऐसा ही होता है. तो एडवर्सेरियल सर्च का जो फिनोमेना है बेटा वो ये इसी तरह ही है कि जैसे आपने अगर अल्फा गो खेला हो या आपने जो है वो एंग्री बर्ड खेला हो, तो बेसिकली यू आर, और आपने अगर कोई टेकन थ्री या टेकन सेवन या कोई भी गेम खेला हो, तो योर बेसिक थीम इज या योर बेसिक आइडिया इज टू यू विल विन फ्रॉम योर ओपोनेंट. तो एडवर्सेरियल सर्च में इसी तरह का सिनेरियो होता है. होता है क्या है पहले वो समझ लें बेटा. अब हमारे पास जो एल्गोरिथम हमने एडवर्सेरियल सर्च के अंदर देखना है बेटा, आप लोगों ने नाम मे बी हो सकता है सुने हो गेम्स के, तो उनमें ये एल्गोरिथम यूज हुआ है, मिन मैक्स एल्गोरिथम. बेसिकली मिन मैक्स इज अ काइंड ऑफ बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम दैट इज यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग एंड गेम थ्योरी टू फाइंड द ऑप्टिमल मूव फॉर अ प्लेयर. ठीक है, कि ऑप्टिमल मूव्स मीन के बेस्ट मूव. देयर आर सो मेनी मूव्स, ठीक है, बट द ऑप्टिमल मूव इज दैट मूव विच विल गिव यू मोर स्कोर. ठीक है, तो आप नॉर्मली देखें ना बेटा, आप जब कोई गेम प्ले कर रहे हो तो देयर मे बी इफ यू आर प्लेइंग टिक टैक टो, तो आपको पता होता है कि कौन सा मूव आपको जो है वो बहुत अच्छा जो है वो पॉइंट दे सकता है. या चेस खेला हो तो आपको पता होगा कि किस तरह है, या बैगामोन खेला हो तो आपको पता होता है कि बेटा कौन सा जो मूव है इट विल गिव यू मोर पॉइंट देन योर ओपोनेंट. तो हम इस तरह बात कर रहे होते हैं एडवर्सेरियल सर्च के अंदर. ठीक है, कि ओपोनेंट्स होते हैं इन एन एनवायरनमेंट. ठीक है, तो अब जो एल्गोरिथम है मिन मैक्स, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं. अब जो मिन मैक्स एल्गोरिथम है, इट इज अ काइंड ऑफ बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम. बैक ट्रैकिंग मीन्स के इट इज इट कैन बैक ट्रैक इटसेल्फ.
कि वो खुद को बैक ट्रैक कर सकता है, मींस कि अगर उसने कोई मूव लिया है और उसे पता है कि भाई ये जो मैंने मूव लिया है इट विल नॉट फेवरेबल, तो इट विल गेट बैक टू इट्स प्रीवियस स्टेट. ठीक है, तो इज यूज इन डिसीजन मेकिंग एंड गेम थ्योरी टू फाइंड द ऑप्टिमल मूव फॉर अ प्लेयर अज्यूमिंग दैट योर ओपोनेंट ऑल्सो प्ले ऑप्टिमली. और आपको कंसिडर क्या करना होता है बेटा, यू हैव टू कंसिडर के योर ओपोनेंट विल ऑल्सो प्ले ऑप्टिमली, मीन्स के इट विल ऑलवेज परफॉर्म अ ऑप्टिमल मूव. तो इट इज वाइजली यूज इन टू प्लेयर टर्न बेस्ड गेम्स. नॉर्मली जो टू प्लेयर गेम्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा यूज होता है. और किन एल्गोरिथम मतलब किन गेम्स में यूज हुआ है, टिक टैक टो में है, बैकगैमन है, मेंटल है, और चेस एटसेट्रा के अंदर यूज होता है. अब इसमें होता है क्या बेटा, इन मिन मैक्स द टू प्लेयर्स आर कॉल्ड मैक्सिमाइजर एंड मिनिमाइजर. तो होता है क्या है बेटा कि आप ऑब्वियस थिंग है कि जब आप मिन मैक्स अप्रोच की बात करते हो तो उसमें ऑब्वियस है कि एक मैक्सिमाइजर होगा एक मिनिमाइजर होगा. मींस के द मैक्सिमाइजर विल ट्राई टू स्कोर अ हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर व्हाइल द मिनिमाइजर ट्राइज टू डू द अपोजिट एंड गेट द लोएस्ट स्कोर पॉसिबल. तो दो फंक्शन आपको समझ में आ गए कि एक मैक्सिमाइजर का फंक्शन होगा और एक मिनिमाइजर का फंक्शन होगा. जो मैक्सिमाइजर का फंक्शन होगा बेटा उसका बेसिक एम क्या होगा, इट विल ट्राई टू फाइंड आउट द बेस्ट और हाईएस्ट स्कोर जो पॉसिबल होगा उस पूरे गेम के अंदर. और जो आपके पास मिनिमाइजर है उसका काम क्या होगा, उसका काम ये होगा कि इट विल ट्राई टू फाइंड आउट द लोएस्ट मिनिमम वैल्यू और अ लोएस्ट वैल्यू स्कोर. ठीक है, तो दोनों के फंक्शन आपको समझ में आ गए. अब एवरी बोर्ड स्टेट हैज अ वैल्यू एसोसिएटेड विद इट. जो भी आपका गेम होता है, जो उसका एनवायरमेंट होता है, तो उसमें क्या होता है बेटा कि हर जो पॉइंट है उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है. अब वो पर्टिकुलर वैल्यूज क्या इंडिकेट करती हैं बेटा, वो इंडिकेट ये करती हैं कि इस वैल्यू की या इस मूव पे अगर आप जो है वो लाए करते हैं, ठीक है, तो आपके पास क्या है कि इट विल गिव यू कि आप जो है वो आपका मूव जो है वो ऑप्टिमल है. अगर नहीं है तो क्या होगा कि यू विल लीड टू अनदर पॉइंट. ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हम जब इसको देखते हैं तो ये यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन अ गिवन स्टेट इफ द मैक्सिमाइजर हैज अपर हैंड देन द स्कोर ऑफ द बोर्ड विल टेंड टू बी सम पॉजिटिव वैल्यूज. तो हम ये कहते हैं कि अगर आप मैक्सिमाइजर वाला फंक्शन या मैक्सिमाइजर वाली स्टेट लेते हैं तो आपका जो स्कोर बोर्ड है वो आपको कुछ पॉजिटिव वैल्यूज देगा, मींस के इट विल गिव यू पीक या हाईएस्ट वैल्यूज. बट अगर हम बेटा मिनिमाइजर की तरफ जाते हैं तो इसका अपोजिट है वो फंक्शन. तो अगर ये सम पॉजिटिव वैल्यूज दे रहा है तो दे विल गिव यू सम नेगेटिव वैल्यूज. तो उसके बाद क्या होता है, द वैल्यूज ऑफ दीज बोर्ड्स आर कैलकुलेटेड बाय सम ह्यूरिस्टिक व्हिच आर यूनिक फॉर एवरी टाइप ऑफ गेम. और ह्यूरिस्टिक आपको पता है कि हर गेम के लिए अलग होता है. तो यहाँ हम बेटा एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कंसीडर किया है गेम विच हैज फोर फाइनल स्टेट्स एंड पाथ टू रीच द फाइनल स्टेट फ्रॉम रूट टू फोर लीव्स ऑफ अ परफेक्ट बाइनरी ट्री हैज शोन बिलो. अज्यूम दैट यू आर द मैक्सिमाइजिंग प्लेयर एंड यू गेट द फर्स्ट चांस टू मूव. इसमें बेटा सिनेरियो क्या समझा रहे हैं कि आप एक गेम खेल रहे हो बेटा, ठीक है, जिसमें चार जो है वो लीफ नोड्स हैं, फाइनल स्टेट्स हैं. अब आपने क्या करना है बेटा, आपने अज्यूम करना है कि आपकी पहली टर्न है, ठीक है, और आप कौन सा फंक्शन हो, यू आर अ मैक्सिमाइजिंग प्लेयर. ठीक है, यू आर एट द रूट एंड विच यूर ओपोनेंट एट नेक्स्ट लेवल. विच मूव शुड यू मेक एज अ मैक्सिमाइजिंग प्लेयर कंसिडरिंग दैट यूर ओपोनेंट ऑल्सो प्ले ऑप्टिमली. तो आपने ये दोनों चीजें देखनी है. अब देखें बेटा कि आपके पास ये लेफ्ट और राइट प्लेयर्स हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो यहाँ जो फंक्शन है बेटा वो मिनिमाइजर का है और यहाँ जो फंक्शन है ना बेटा वो मैक्सिमाइजर का है. तो देखें बेटा जब आपको इस तरह का बाइनरी ट्री मिलेगा, ठीक है, तो यू हैव टू टेक केयर कि सबसे पहले आपने देखना है कि कौन से फंक्शन को कहाँ मेंशन किया गया है. ठीक है, अब जब मेंशन किया गया है तो आपने मेंशन करने के बाद ये देखना है कि यहाँ मिनिमम लिखा है या मैक्सिमम फंक्शन लिखा है, तो आपने उसी तरह स्टेप्स लेने होते हैं. देखिए बेटा अगर हम इस नोड को देखें और ये आपके ओपोनेंट की नोड है फॉर एग्जांपल, तो आप अगर बेटा यहाँ देखो तो आप यहाँ पे जब देखते हो तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, थ्री और फाइव, और उन्होंने क्या कहा है कि यू विल पिक द मिनिमम. तो जब आप बेटा मिनिमम पिक करोगे तो यू विल लीड थ्री हेयर और योर ओपोनेंट विल लीड टू देयर. ठीक है, अब देखें बेटा कि यहाँ पे क्या है, थ्री है, यहाँ पे क्या है, टू है. अब नेक्स्ट फंक्शन क्या कह रहा है कि यू हैव टू मूव योर कार्ड. आपने थ्री मूव किया और आपके ओपोनेंट ने टू मूव किया, तो कौन जीता? सर हम जीत गए.
ठीक है, तो इस तरह बिल्कुल, तो इस तरह इसको देखना है, ठीक है। तो अब देखें बेटा, अब आप ने, जो मैंने आपको समझाया ये बेटा उसका आंसर है, ठीक है, लेकिन अब उन्होंने किस तरह इसको सॉल्व किया उसको देख लेते हैं। सिंस दिस इज अ बैक ट्रैकिंग बेस्ड एल्गोरिथम, इट ट्राइज ऑल द पॉसिबल मूव्स, देन बैक ट्रैक्स एंड मेक अ डिसीजन। मैक्सिमाइजर गोज लेफ्ट, मैक्सिमाइजर जो है वो लेफ्ट पे आया, इट नाउ द मिनिमाइजर टर्न। अब आपकी पहली बारी किसकी है बेटा, मिन लिखा है यहाँ पे, तो मिनिमाइजर की बारी आ रही है। तो द मिनिमाइजर हैज नाउ अ चॉइस बिटवीन 3 and 5, बोथ द मिनिमाइजर इट विल डेफिनेटली चूज द लीस्ट अमंग बोथ, दैट इज 3। तो यहाँ पे मिनिमाइजर ने क्या किया बेटा, 3 पिक कर लिया। इसी तरह मैक्सिमाइजर गो राइट, तो मैक्सिमाइजर जो है वो अब जो राइट साइड वाला है वो जाएगा, अब वो भी क्योंकि ऑप्टिमली मूव कर रहा है, तो वो भी क्या कर रहा है बेटा, मिनिमम फंक्शन आपने कैरी करना है, तो इट विल सेलेक्ट अ 2 फ्रॉम बिटवीन दीज 2। उसके बाद क्या होगा बेटा, बींग द मैक्सिमाइजर यू शुड चूज द लार्जर वैल्यू, और हेंस द ऑप्टिमल मूव फ्रॉम द मैक्सिमाइजर टू गो लेफ्ट एंड द ऑप्टिमल वैल्यू इज 3। तो अब क्या हुआ बेटा कि यहाँ 3 और यहाँ 2 था, और आपकी जब टर्न आई आपने 3 मूव करवाया और आपके ओपोनेंट ने 2 मूव करवाया, तो यू विल ऑटोमेटिकली विन बाय दिस वे, ठीक है। तो नाउ द गेम ट्री लुक लाइक्स, इस तरह आपका जो है बेटा वो गेम ट्री चलता है। द अबव ट्री शोज 2 पॉसिबल स्कोर्स व्हेन द मैक्सिमाइजर मेक्स लेफ्ट एंड राइट मूव्स, ठीक है। इवन थ्रो देयर इज अ वैल्यू ऑफ 9 ऑन द राइट सब ट्री, द मिनिमाइजर विल नेवर पिक दैट। क्यों? क्योंकि वी आर ऑलवेज अज्यूम दैट अवर ओपोनेंट प्लेज ऑप्टिमली, तो हम हमेशा यही सोचते हैं कि आपका जो ओपोनेंट है वो ज्यादा आपसे अच्छा नहीं खेल रहा, ठीक है। इसकी एक और छोटी सी एग्जाम्पल है बेटा, वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ। आवाज नहीं आ रही सर। नहीं बेटा मैं बोलूंगा तो आएगी ना, मैं वो ओपन कर रहा हूँ फाइल, रुक जाओ एक मिनट। देखो बेटा अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उसको आपने देखना है कि भाई सब बोलते गाने आ जाते हैं। देखो बेटा अब आपको ये स्क्रीन नजर आ रही है, क्रोम की एक स्क्रीन है, ठीक है। ठीक है तो देखिए बेटा यहाँ आपके पास एक प्रॉब्लम है जिसमें आपको कहा गया है कि कि आपने वर्किंग नोड है इनिशियल आपने जो है वो स्टार्ट लिया है, ठीक है। तो हम जो है उसी तरह ही इसको देखते हैं कि ये आपके पास टर्मिनल वैल्यूज हैं, यहाँ कुछ गिवन है, ठीक है। और देखें बेटा टर्मिनल नोड्स हमेशा याद रखनी है, या आपकी जो चाइल्ड नोड्स होती हैं ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। वेदर द एग्जामिनर और अ टीचर यूज अ टर्म विच इज चाइल्ड नोड और अ टर्मिनल वैल्यूज, तो आपने ख्याल रखना है इस चीज़ का, ठीक है। तो टर्मिनल वैल्यूज पे बेटा आपको वैल्यूज है -1, -4, -2, -6, -3, -5, 0 और 7। तो बेटा जब आप इस पे मिनिमाइजर का फंक्शन लगाओगे तो यू हैव टू यूज अ फंक्शन ऑन एवरी नोड। देखें आपके पास डी ई एफ जी 4 है यहाँ पे, तो फर्स्ट स्टेप क्या है बेटा कि यू हैव टू फाइंड अ मैक्सिमाइजर। तो देखें बेटा हमारी एग्जांपल में क्या था, मिनिमाइजर था पहले, तो आपने क्या करना है जिस तरह आपको गिवन है ना बेटा उस तरह आपने इन चीजों को सेट करना है, ठीक है। तो इनिशियली आपने सेलेक्ट किया इन दोनों में से जो मिनिमाइजर है, सॉरी मैक्सिमाइजर है, तो 4 और 1 में से कौन मैक्स है, 4, तो 4 विल लीड टू डी। जे और के में 2 और 6 हैं, तो 2 और 6 में से कौन बड़ा है बेटा, 6 विल मूव टुवर्ड्स ई।
इसी तरह माइनस थ्री और माइनस फाइव है बेटा, तो माइनस थ्री बड़ा होता है माइनस फाइव बड़ा होता है जी बच्चों, माइनस थ्री तो माइनस थ्री ऊपर चला जाएगा। इसी तरह जीरो और सेवन है तो कौन ऊपर चला जाएगा, सेवन ऊपर चला जाएगा क्योंकि मैक्सिमाइजर फंक्शन की बात हुई है। तो देखें बेटा ये वैल्यूज आ गई फोर सिक्स माइनस थ्री और सेवन। नाउ यू कैन सी दैट देयर इज अ फंक्शन विच इज मिनिमाइजर। तो अब क्या होगा, अब आपने मिनिमम वाली वैल्यूज सेलेक्ट करनी है। तो बेटा जब आप मिनिमम वाली वैल्यूज सेलेक्ट करोगे तो क्या होगा बेटा कि फोर और सिक्स में से कौन सेलेक्ट होगा, फोर, माइनस थ्री और सेवन में से कौन सेलेक्ट होगा, माइनस थ्री। तो अब देखें बी और सी के पास क्या वैल्यूज चली गई, फोर और माइनस थ्री। नाउ एट द एंड यू कैन सी दैट यू हैव अ मैक्सिमाइजर फंक्शन बिकॉज इन अ गेम यू हैव टू मूव ऑप्टिमली। तो आप इन दोनों में से कौन सी वैल्यू पिक करोगे बेटा, फोर वाली टॉप पे आ जाएगी। तो यू कैन सी दैट योर सॉल्यूशन विल लीड टू दैट प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्लियर है ये चीज, यहाँ तक कोई मसला बेटा किसी को? इसका पर्पस क्या है एल्गोरिथम का? देखें बेटा इस एल्गोरिथम का बेसिक पर्पस ये है कि बेटा व्हेन यू आर इन अ एनवायरनमेंट इन विच यू एंड योर ओपोनेंट विल प्रेजेंट, ठीक है, तो उसमें आप कौन से मूव्स लेंगे। बेसिकली बेटा जो गेम्स वगैरह बनते हैं ना उनमें इस तरह के एनवायरनमेंट होते हैं कि यू हैव टू ट्राई टू गेट अ बिगर नंबर एज कम्पेयर टू योर ओपोनेंट। तो उसमें ये एल्गोरिथम यूज होता है, इट विल बेस्ड के आपको कौन से मूव्स लेने चाहिए। जैसे नॉर्मली अगर मैं बात करूं बेटा कि आपने जब फर्स्ट टाइम जो है वो फॉर एग्जांपल हम कहेंगे कंप्यूटर पे जो कार्ड्स होते हैं वो प्ले किए होंगे, तो यू हैव सो मेनी ऑप्शंस कि आपको कौन सा कार्ड थ्रो करना है। ठीक है, तो जब आप कार्ड थ्रो करते हो बेटा कि यू विल चेक के अब आपके पास कौन सा मूव है, मीन्स के मुझे कौन से कार्ड को ट्राई करना चाहिए फॉर पिकिंग। तो यू विल ऑलवेज ट्राई कि मैं जो कार्ड थ्रो करूँ ना वो मेरे ओपोनेंट से बड़ा हो। तो दैट्स द बेसिक पर्सन। बेसिकली हमारे पास जो समझ लें कि एनवायरमेंट्स ऐसे जिसमें आपके पास ओपोनेंट मौजूद होते हैं उनमें हम ये एडवर्सेरियल सर्च के कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे होते हैं या यूटिलाइज कर रहे होते हैं। समझ में आया बेटा ये चीज? जी बेटा यहाँ कोई प्रॉब्लम कोई चीज नहीं समझ में आई तो बताओ बेटा मुझे। इस एल्गोरिथम में कोई चीज नहीं समझ जी बेटा? क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं हुआ होगा तो इसके आगे जो टॉपिक है ना उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज तभी मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि अगर आपको ये क्लियर है तो ही हम आगे जा सकते हैं, अगर नहीं है एक बार रिपीट कर दें। ठीक है बेटा, कोई मसला नहीं है। देखिए बेटा होता है क्या है, हमारे पास एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जिसमें हम ये बात कर रहे होते हैं कि वी हैव अ एनवायरनमेंट इन विच मी एंड माय ओपोनेंट इज प्रेजेंट एंड वी बोथ आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द बेस्ट। अब दो लोग एक साथ बेस्ट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, मैं और मेरा ओपोनेंट, तो आई विल ऑलवेज ट्राई कि मैं विन करूँ और ही विल ऑलवेज ट्राई कि वो विन करें। ठीक है, तो दैट्स बेसिकली अ एनवायरनमेंट इन विच ओपोनेंट कैटेगरी लाए। पहले क्या था, अब तक जितने भी हमने सर्चेस पढ़ी थी बेटा कि हम जब सर्च कर रहे हैं तो हमने ऐसे तो कुछ नहीं कहा था ना कि हमारा कोई ओपोनेंट भी है ड्यूरिंग सर्च, हमने तो ऐसी कोई बात नहीं की थी। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई एनवायरनमेंट ही नहीं बना था। बट व्हेन वी टॉक अबाउट एनवायरनमेंट इन विच आवर ओपोनेंट्स आर प्रेजेंट, तो हम क्या करते हैं बेटा, हम फिर इस तरह की क्राइटेरियाज की तरफ मूव करते हैं कि अब हमारे पास जो एनवायरनमेंट है उसमें दो लोग हैं और बोथ वर ट्राई टू फाइंड आउट द बेस्ट। तो इस सिनेरियो के अंदर बेटा हम जो है मूव करते हैं टुवर्ड्स एडवर्सेरियल सेट्स। ठीक है, अब हमारे पास होता क्या है कि यू हैव सम वैल्यूज, मींस के आप जब कोई गेम खेलेंगे तो यू हैव सम मूव्स विच यू कैन टेक ड्यूरिंग योर मूवमेंट। तो अब उसमें होता क्या है बेटा, उसमें होता ही है कि आपकी कोशिश ये होती है कि आप जो है वो दोनों में से जो बेस्ट मूव है ना वो आप लो।